बंठन की मेरा माही आया अब सोना बनके दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके बंठन की मेरा माही आया अब सोना बनके दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके मेरी रूह दी तुलो माहिया मेरी रूह दी तुलो तू माहिया मेरे सोनिया सोनिया वे बे माही मेरा सब कुछ तू ही साजना मेरे सोनिया सोनिया वे बे माही मेरा सब कुछ तू ही साजना आशीर्वाद जीत दे रहे कि जाओ तुम्हारे भी ट्विंस हो चलो, चलो, हम लोग अब इसी उपलक्ष्य में 2 मिनट का मौन रखें क्यों और याद करें कि कभी दीपू आजाद हुआ करता था 1 साल हो गए 2 मिनट का मौन रखो एग्जैक्ट 1 साल बस अभी 12 बजने में 2 मिनट बचा है फर्स्ट एनिवर्सरी 1 2 3 हैप्पी एनिवर्सरी कच्ची डोरियों ये पहला साल है इसलिए बहुत उड़ा अगले साल में भी इसका आधा उड़ेगा उसके 2-4 साल के बाद फिर पक्की उड़ेगा ये देखो खा लो अरे खिलाओ आप एक दूसरे को तो खिलाओ देखो गिफ्ट माई को दे माई यस वेरी गुड यस हैप्पी एनिवर्सरी अरे रे रे देखो अच्छा माया और भाभी का भी एनिवर्सरी ना फर्स्ट टाइम मिले थे पर शादी वाले दिन में नहीं थे कि रिसेप्शन में मिले थे तेरा को हुआ था ना रिसेप्शन 15 एक तो 15 को सेलिब्रेट करना ननंद वाला 15 को सेलिब्रेट करना तो पहले मिली थी ना कब मिली थी मैं शादी वाले दिन ही अच्छा वो हाँ वो तो जब मतलब बहुत सारा वो याद नहीं वो याद नहीं ओ भाई हेलो नाउ विल कट नाइस धीरे करिए व्हाट हैंड वॉश गो मैं तो चलाया आपको अब फोटो सेशन बर्थडे
बर्थडे थोड़ी है, 14 जन्मों का साथ मिले, साथ जियो और एक दूसरे साथ, हाँ साथ, सात इंटू टू ना, ट्विन्स होंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ नॉट ओनली ओनली हैंड वॉश रेडी, आपको अच्छी से दुपट्टे और बस आज ही वो पहले झुका, वो पहले झुका फिर वो झुके, हिंदी की बारे झुकना इसको। वो बलून लेके आ रहे, ये सेफ्टी पिन लेके आ रहे फोड़ने के लिए। दिल मत तोड़ो मेरा, तोड़ो नहीं फोड़ो। दिल फोड़ो भाई, पहला ही साल हुआ है ऐसे क्या हो रहे हो तोड़ने फोड़ने के लिए। Go, clean, clean. Wait. नहीं उनके उसके ऊपर डालो, ये फिर उसको फाड़ के फेंक देगा। क्या किसके ऊपर? मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? कागज है। बाहरो फूल बरसाओ, ये फूंक के मेरा महबूब। ये गुच्छा सा है, इसको थोड़ा खोल के ऊपर गाओ गाओ गा संग्राम। अरे माइक तो लाओ, माइक। अरे संग्राम से बिना माइक में भी गाना गा लेना, क्या दिक्कत है? सुनो आपको थोड़ा ज्यादा वो नहीं हो रहा है, गाना गाने के लिए बोले क्या गाना गा? मैं बताऊं, मेरी बीवी माइक है। मैं नहीं जा रही कहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। माइक तो इधर है, मेरे माइके वाले इधर है, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या एक मुखड़ा है, ये जन्मों का साथ है। मुझे नहीं पता तू गा। ये जन्मों का साथ है, देखो टूटे न सजनी। अरे वो लिख दिया तेरा नाम सृष्टि, सृष्टि श्री। ओ मेरी सृष्टि श्री। हाँ देखो ये वाला नाम है, ओ मेरी सृष्टि श्री। बाला सुब्रमण्यम टाइप पे गिर गए, गिर गए, गिर गए, हैप्पी गिर गए, लव गिर गया, हैप्पी गिर गया, चल एनिवर्सरी रहेगा। भगवान हैप्पी कराओ भाई, हैप्पी कराओ। देखो कौन हैप्पी नहीं है इसमें से, कोई तो है, कौन है वो कोई? ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो उसको। दिल कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। तो साजन, आप साजन गा लो। वो मेरे साथ आवाज नहीं निकलती। अरे दोनों भाई बहन की आवाज अच्छी है, ये थोड़ा घबराते घबराते गए, थोड़ा कॉन्फिडेंटली गाते ना, बहुत अच्छा गाते। एक ही तरह गाए थे ना क्या? अरे पुराना गाना पुराना हो गया। मेरे बीच में तेरे, मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। सुनो आपका, आपके बाल भी मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, कैसा है ये बंधन अनजान, आज तक नहीं जाना हमने। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज 11th of December, आज से ठीक एक साल पहले भाई भाभी की शादी हुई थी। पूरा शादी वाला ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो आज उनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी है, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, तो जिसके वजह से हमने ये सारा टर्की प्लान किया था, टर्की ट्रिप मतलब भाई भाभी के साथ में। बट सब आप लोगों को सब कुछ बताया कि वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आए, इस वजह से उनका हो नहीं पाया। तो एनीवे जो भी हो, हम लोग अभी वापस आ गए हैं। एंटर की जाने से पहले हम लोग गए थे ज्वेलरी शॉप भाभी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए, मतलब कुछ गिफ्ट लेने के लिए, एनिवर्सरी गिफ्ट। तो मैंने पहले सोचा था कि वो डांसिंग डायमंड जैसे मैंने माया के लिए लिया था उसी टाइप का कुछ लूँगी, बट वैसा कुछ मतलब मिला नहीं, मतलब स्टॉक में नहीं था, एक आध ही थे जो हमें इतना पसंद नहीं आ रहा था। तो बस ऐसे नॉर्मल डायमंड सेट, मतलब चेंज और पेंडेंट जो है उसमें से हमने ये वाला सिलेक्ट किया। मुझे ये वाला पसंद आया, और एक भी ऐसे पसंद आया था,
बट फाइनली हमने ये वाला सिलेक्ट किया भाभी के लिए। एंड भाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि लड़कों का ना कुछ समझ नहीं आता है, वॉच वो पहनता नहीं है, गॉगल्स वो पहनता नहीं है, एंड कपड़े वगैरह ना साथ में जाके खरीदवाओ तो बेटर रहता है। भाभी के लिए भी हमें कपड़े लेना है तो फिर वो बाद में साथ में जाके अपना साइज़ अपने पसंद के हिसाब से ही लेंगे, तो इसलिए भाई के लिए कुछ भी नहीं लिया है। भाभी के लिए बस एक ये वाला सेट लेके हमने रख दिया था क्योंकि हमें पता था कि और टाइम नहीं होगा, हम जिस दिन आएंगे उसी दिन मिडनाइट सेलिब्रेशन होगा। ये वाला और एक पेंडेंट मैंने पसंद किया था, पर्ल में डायमंड था बट इसका ना रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं था, इसीलिए हमने वो वाला लिया। उसमें 100% रिटर्न वैल्यू था, अगर बाद में वो एक्सचेंज करते हैं या कुछ भी मतलब रिटर्न करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो फाइनली ये हमने भाभी के लिए उनके पहले मैरिज एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट लिया। बस ये हम लोग मिडनाइट सेलिब्रेशन कर रहे हैं एंड देखते हैं कल कैसे क्या करते हैं। अरे माया पीछे ये खाली उठा रहे हैं गिरा रहे ये स्पेशल। अरे क्या बात है, घर आते कितने खुश देखो, बच्चे बाहर जाके खुश होते, ये घर आके खुश। खोलो नी खोलो नी आर यू पुलिस देन ए सिंगिंग सॉन्ग मंगलम भगवान विष्णु मंगलम विष्णु मंगलम गरुड ध्वज मंगलाई कुंडली काशे मंगलो तनो हरि आप योर अपॉइंटेड एज पंडित फूल डाल देंगे। हां लो 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 फूल चलो 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 थैंक यू सो मच। मेरा कहा लड़के पहनाने के लिए होते हैं। हाँ जिन्हें पहना है ना इससे बड़ी किस्मत मिलेगी तुझे। ये है ये डब्बा यू हैव टू कीप इट सेफ। उसका वो क्या वो सब सर्टिफिकेट वाला रखो फिर बाद में एक्सचेंज करके एक बड़ा सा इसमें बीच में एक सॉलिटर डाल के देना। यही तुम्हारा गिफ्ट है। बीच में खाली है ना थोड़ा सा राउंड, तो उसमें एक सॉलिटर डाल के पहले से जगह बना के दे दिया है। अरे चिंता मत कर, अपन मीना बाजार में रहेंगे, वहाँ पे बहुत सारे गहने सॉलिटर मिलते हैं। कहाँ किसको क्या पता चलता है। सुनो भाई साहब एक बड़ा सा देना, तो आप मेरे बर्थडे पे वही लाए थे क्या मीना बाजार थोड़ा छोटा सा ही दो मेरा वाला लेके चेक कराना पड़ेगा फिर। हाँ इतना दो कि मेरी बीवी को यकीन होता है कि मैं सच में लाया हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू ही बोलते हैं गिफ्ट लेने पे थैंक यू बोलते हैं। इसका इसका सारा श्रेय मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे से शादी की तब जाके मैं यहाँ पे हूँ, उसकी वजह से आज एनिवर्सरी हुई फाइनली गिफ्ट मिला। चलो 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 और सारा श्रेय मैं अपने माँ बाप को देना चाहूंगी कि मुझे पैदा किया, शादी करी तब जाके मैं पैदा हुई और मैं पैदा हुई तब जाके मेरी शादी हुई, फाइनली आज एनिवर्सरी हो रही है। सो थैंक यू टू माय पेरेंट्स आल्सो एंड थैंक यू टू दीपू पेरेंट्स आल्सो। हां बहुत से टू पेरेंट्स हां तो बाबा पीछे हैं, यू मे से थैंक यू टू बाबा। चलो से गए अचानक से बोलती बीबी दिस इज वेरी नाइस। हो ठीक है जी, क्योंकि मैंने हाथ दिखा के वो काट भी दी माया का गिफ्ट तो वाह।
जो कि माया को डांट पड़ी कि क्यों लेके आई, बट माया कभी नहीं सुधरेगी, वो डांट खाती है बट लेके आती है हमेशा। तो बोल रही है पहले से, अब रुक जाओ जनवरी में, अब रुक जाओ। चल अरे वाह, इसका गिफ्ट पेंडिंग है, बोला जूता चाहिए जो हमें प्रॉपर्ली मिला नहीं जूता, तो वो बाद में लेके आएंगे। फाइनली ये फाइनली उसको, हां ये जो कैप है ऐसा वाला कैप मुझे 4 साल ढूंढने के बाद जाके मिला है, जिसके 4 साल वो नहीं अच्छा हो गया। ये दोनों को निकालो यहां से, वाह देखो सी मामूस न्यू कैप, ये मामूस न्यू कैप, मामूस न्यू कैप, मामा को मामा बना के टोपी पहना दिया, मामा को टोपी पहना दिया। और क्या कपड़े हैं उसमें, कपड़े हाँ। चलो वो कल पहनेंगे ना, कल पहनो टोपी। ओए क्या फूटा, डर गया थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह उठ के, सुबह मतलब सब लोग लेट ही उठे हैं, तो बस यहाँ पे अनपैकिंग कर दिया है सारा, वो सारे कपड़े पूरा लॉन्ड्री बैग भर गया है, एंड ये सब धुलेंगे, एंड ये एक बैग खाली है, बस इसमें थोड़े बहुत कुछ गिफ्ट्स जो हम लोग खरीदे हैं तो वही बाद में ओपन करूँगी। भाभी और मैंने मिलके सारा अनपैकिंग कर दिया है, माया गई है ऑफिस, एंड हनी बनी अभी नहा रहे हैं, ये रहे हनी बनी, एंड भाई और जीत गए हैं, जीत का गाड़ी हमने दिया था ना सर्विसिंग के लिए, तो वो साथ में गए हैं लेने के लिए। शिवा के सारा आज क्लीनिंग वगैरह करके गया है, बर्तन वगैरह धुल दिए थे, तो अभी मैं बर्तन वगैरह रख लेती हूँ। खाना क्योंकि भाभी और भाई आज डिनर पे जाएंगे एक जगह पे, जो पेयरचिक हम लोग जहाँ पे गए थे हमारी एनिवर्सरी पे, तो लंच में ऐसा ही नॉर्मल से हम लोग कुछ मंगवा के खा रहे हैं, कि अभी मैं अभी मतलब खाना बनाने के उसमें नहीं हूँ, कल से खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वो वाला तो खाओगे ना लॉलीपॉप, जीजा का बेल्ट साला को नहीं आ रहा है, जबरदस्ती पहना और टाइट है, बोले इसे खाना कैसे खाएगा, वो डिनर डिनर पे जा रहे हैं तो बेल्ट इतना टाइट करो खाओगे कैसे, बेल्ट को खोल के खाना पड़ेगा। ये देखो भाभी पूरा मस्त हीरोइन बन गई है अपने फर्स्ट एनिवर्सरी डिनर डेट पे। अरे यहाँ पे एक फोटो तो खींच के जाओ, आते टाइम तो सब उड़ जाएगा ना मेकअप। देखो भाभी पूरा अपना अपना गेटअप खरीद के लाई है पूरा प्रॉपर, ये पूरा जुगाड़ वाला। बेल्ट बेल्ट ये ब्लेजर सब जुगाड़ वाला। कितने बार बोला खरीद ले खरीद लेने, तो वही बोला कि एक दिन के लिए क्यों खरीदूं, क्यों लेना हो जाएगा। हनी बनी के पास वो ऑप्शन नहीं है, हनी बनी का वो ऑप्शन नहीं है, उनके पास सब दो दो है, जो भी है दो दो है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल गाइस, कैसे हैं आप? बढ़िया है हम लोग सब। फाइनली दूसरों की गाड़ी चलाते चलाते गॉट आवर ओन कार। ओके मामू भाई वेलकम, उनको लग रहा है कि मामू भाई को क्यों छोड़ के आ गए। ओके विल गिव, सो गाइस मेंटोस वाली टॉफी इनके एक बार कहा उसने चख लिया, उसको बोला टूथपेस्ट वाली टॉफी।
सो भाई मैं अभी अभी गए पेक्चिक रेस्टोरेंट वहाँ पे डिनर करने, जो हम लोग हमारी एनिवर्सरी पे गए थे ना वो वाला ब्लॉग देखना कर देंगे देखा, क्योंकि मस्त व्यू आता है उस रेस्टोरेंट का, एक अलग अच्छा एम्बियंस है उस रेस्टोरेंट का। तो हमने उनको वही सजेस्ट किया था, तो उन्होंने वही बुक कर लिया था। तो बस हम लोग उनको ड्रॉप करके वो डिनर विनर करके जब हम उनका हो जाएगा इसका व्यू व्यू एक्चुअली बहुत जबरदस्त है, हम लोग उनको पिक करने आ जाएंगे तो अपना वो उनका एनिवर्सरी एंजॉय करेंगे एंड जीत जाके कुछ घर में कुछ स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इटालियन रेस्टोरेंट है तो कुछ ऐसे कुछ खाएंगे, मतलब 6:30 बजे डिनर, और हमारी तो आदत है इंडियन से भाई बाहर इटालियन फ्रेंच फूड जितना मर्जी खा लो भूख नहीं मिटती, भूख तभी मिटती है जब कुछ रोटी कुछ चावल अंदर जाता है। तो हम लोग डिनर तो बना स्पेशल बनाते हैं, क्या कहते हो, लेट्स थिंक अबाउट व्हाट टू मेक। हाँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि कल से कंटिन्यू ये चल रहा है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में जीत कुछ खाना वाना बनाएंगे, संग्राम माया भी आ जाएंगे शाम को अपने ऑफिस से, तो करते हैं मौज मस्ती नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, यू स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, टेक केयर, घूम के आइए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग, बाय बाय। बनी थोड़ी देर में हनी हनी व्हाट विल डू विद बनी, विल सेंड बनी टू पापा हाउस, ओनली हनी विल स्टे विद मामा, नो फाइटिंग बनी बनी गिव हिम बैक बनी। Ha ha ha.